गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है सबका सत्य के दुख ऑनलाइन लाइव क्लासेज के प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग टेस्ट संख्या जो 14 है उसका सॉल्यूशन करेंगे। पहला है 12% का मान। प्रतिशत का चिन्ह दिया होता है बच्चों, तो चिन्ह हटा के बट्टे में 100 लेते हैं। 2 से काटो 6/50, 2 से काटो 3/25, ठीक है, ये आंसर आपका। 2 से काटा 6/50, फिर 2 से काटा 3/25। अब इससे आगे कटेगा क्या ये? नहीं। तो आंसर आपका कितना है? 3/25। अब ये तो है भिन्न संख्या, हम यही आंसर दिया। इसको एक और बदल सकते हैं, 12% है बेटा। देखो कई बार ये ऑप्शन देता है, कई बार ए भी दे सकता है। दशमलव में प्रतिशत का चिन्ह हटाए बटे में 100 लिया, 100 बटे में कितने जीरो है? 2। 100 बटे में जीरो कितने? 2। इकाई अंक से 2 अंक बाद पॉइंट लगा लो, 1 और 2 अंक बाद यहां पॉइंट लगा लो, फिर पॉइंट के आगे जीरो लगाते ही, ये आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न है दूसरा, 2 की घात x = 1/32। मैं x का मान 32 का भाज्य गुणनखंड करो, 2 का भाग 16, 2 का भाग 8, 2 का भाग 4, 2 का भाग 2, 2 का भाग 1। 32 का भाज्य गुणनखंड किया, 2 कितनी बार आया? 5 बार। तो 2 की घात x = 1/2 5। अब ये हर में है, हर में घात का चिन्ह किसका है? प्लस का। ये ऊपर जाएगा किसका होगा? माइनस का। 2 की घात x = 2 की घात -5 होगा। सुनिएगा क्या होता है, 1 की घात m है ये हर में, ऊपर लेकर आओगे अंश में तो घात का चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस। ऊपर से नीचे लाते हैं या नीचे से ऊपर ले जाते हैं, घात का चिन्ह चेंज होता है, प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस। ये प्लस था, ये माइनस हुआ ये। अब यहां आधार बराबर है 2-2, तो घातें बराबर होगी, एक्स का मान कितना आ जाएगा? -5। एक्स का मान 5 नहीं आएगा, एक्स का मान कितना आएगा बच्चों? -5, ठीक है, -5 आएगा, 5 नहीं आएगा, ठीक है, ये ध्यान दे। कई बच्चे 5 आंसर देने, बेटा 5 नहीं होगा, -5 होगा, क्योंकि हर में है, इसको अंश में लाना पड़ेगा। क्षेत्रफल आयतन का प्रश्न है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई में ऊंचाई क्रमशः 10, 8 व 7 सेंटीमीटर है। एक घनाभ है, उसकी लंबाई चौड़ाई में ऊंचाई क्रमशः कितनी है? 10, 8 व 7 सेंटीमीटर। उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या है? 2 कोष्टक लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। तो 2 कोष्टक लंबाई कितनी है? 10 × चौड़ाई 8, चौड़ाई 8 × ऊंचाई 7 प्लस ऊंचाई 7 × लंबाई 10, ठीक है। ये सीधा सूत्र याद होना चाहिए, 2 कोष्टक 10 × 8 80, 7 × 8 56, 7 × 10 70। 2 का 2 इसको जोड़ दिया, 206 आया, गुणा किया 412, और सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेमी या सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आया आपके? 412। (6cot²)-4, ठीक है, 6cot²(60)-4। कॉट स्क्वायर कितना होता है? कॉट 60 कितना होता है बेटा? वो टेन 60 का उल्टा होता है, टेन 60 होता है √3, तो इसका उल्टा होता है 1/√3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर आगे इंटू 6 है ये, -4। हमें केवल थीटा वाली टेबल से मान याद होना चाहिए, वो मान रखना है भाई, 6 का 6 कॉट 60 का मान है 1/√3 लिख दिया का स्क्वायर, तो स्क्वायर -4, 6 का 6 1/3 याद रखना। कोई संख्या वर्गमूल में है उसके ऊपर अनरूट है, उसका वर्ग करोगे दोनों हट जाता है और केवल a आ जाता है। वर्ग वर्गमूल दोनों हो तो दोनों हट के अंदर वाली संख्या आ जाती थी, यहां √3 एक का वर्ग तो 1, √3 का वर्ग 3, -4। 3 से 6 को काटा 2, -4, उत्तर कितना आ गया आपके? -2। प्रश्न है, a + 1/a = 15 है,
तो ए स्क्वायर प्लस एक बटा ए स्क्वायर का मान, ठीक है। तो इसकी एक सीधी ट्रिक है, अगर ए प्लस एक बटा ये है तो इसका मान कितना होता है बच्चों, इसका स्क्वायर माइनस दो, मतलब संख्या कितनी दे रखी 225 माइनस दो, उत्तर कितना आ जाएगा 223। इसमें मैं आपको एक और चीज बता देता हूं बच्चों, एक अगर इसको सूत्र से करें हम लोग, अगर हम इसको सूत्र लगा के करें a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, तो सूत्र क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो a कितना है, a प्लस बी कितना, एक बटा ए का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एक बटा ए स्क्वायर प्लस टू का टू, a मतलब a, b मतलब एक बटा ए, ए से कट जाएगा, ये क्या रहेगा, a प्लस एक बटा ए का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एक बटा ए स्क्वायर प्लस दो, ठीक है। अब a प्लस एक बटा ए की जगह लिख दोगे 15, प्रश्न में दिया का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एक बटा ए स्क्वायर प्लस दो, ये 225 बराबर ए स्क्वायर प्लस एक बटा ए स्क्वायर प्लस दो है, दो प्लस का उधर के माइनस का, 225 माइनस दो बराबर ए स्क्वायर बटा एक प्लस ए स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 223, ठीक है। ए अनुपात बी अगर 5:7 है, बी अनुपात सी 9:3 है, तो सी अनुपात एक ज्ञात करना है, तो क्या ज्ञात करने का कह रहा है, सी अनुपात एक, ठीक है। तो ध्यान दें, इसमें सीधी ट्रिक है, ए अनुपात बी लिख दो, सी की जगह खाली छोड़ दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कराया भी है, फिर ध्यान दें, ए अनुपात बी लिख दिया, सी की नहीं दिया, सी की जगह खाली छोड़ दी बराबर 5:7, बी के नीचे बी लिया, ए नहीं है तो छोड़ दिया, बी के नीचे बी लिया अनुपात सी यहां आ जाएगा बराबर, बी के नीचे बी लिया तो यहां पे बी के नीचे बी 9:13, ठीक है। अब आप यहां तो क्या करें, पहले अब ये ट्रिक याद रखना है, पहले अनुपात को तो ऊपर वाले दोनों से गुणा करना है, दूसरे को केवल दूसरे से गुणा करना है, इसको समझना है, रटना है सीधा ही कि ये इस तरीके से करना है, ए अनुपात बी अनुपात सी है लिख दिया, पहले इसको गुणा 9 × 5 = 45 अनुपात 7 × 9 = 63 अनुपात 53 × 53 = 61। ये कितना आया, क्या किया हमने, ए अनुपात बी लिख दिया, सी की जगह खाली छोड़ दी बराबर 5:7, बी अब बी सी है तो ए छोड़ दिया, बी के नीचे बी सी आगे, तो ये बी के नीचे आएगा 9:13। अब पहली संख्या को दोनों से गुणा करके लिख दो, दूसरी दूसरी से 9 × 5 = 45 7 × 9 = 63 ठीक है। अब यहां पूछा है सी अनुपात ए, सी कितना है 91, अनुपात ए कितना है 45, 91 अनुपात 45, दर 40 दे रखी है, समय 1.5 वर्ष दे रखा है, और गणना दे रखी अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक मतलब दर को क्या करेंगे आधा, और समय को क्या करेंगे दुगना, दर आधी और समय दुगना, ठीक है। 40% है उसको दर मतलब कितना ले लेंगे 20, ये ट्रिक याद रखें बस, बाकी वही तरीका है, दर आधा समय दुगना, समय 3 दिया, बाकी वही तरीका। चक्रवर्ती मीरदन का सूत्र क्या होता है, पी कोष्टक 1 + r/100 / t, मूलधन है 20,000, दर 40 है उसके आधी 20 लेंगे
तो 120 होगा बटे 100, समय कितना 3 है, डेड का डबल 3, तो 3 बार लेंगे 120 बटा 100 इंटू 120 बटा 100, ठीक है। अब काट दो 3 जीरो, ये 0 0 0 0 ये दिख गया 3, ये 0 से ये 3 0 गए, ये रहा 20 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12 होता है 1728। गुणा जब हम इसको करेंगे तो ये कितना आएगा, 0 0 आएगा, 8 दिन 16 और छगो असला की 1 2 दो 4 5 7 दिन 14 और चौको असला की 34,560 लेकिन ये तो मिश्रधन है, हमें क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज। याद रखें मिश्रधन पूछा है ब्याज ट्रिक करोगे तो गलत है, ब्याज पूछा है मिश्रधन ट्रिक किया तो वो गलत है। मिश्रधन कितना है 34,560, इसमें से मूलधन घटाए 20,000, आंसर हो गया 14,560 रुपए। आंसर कितना हो गया 14,560 रुपए, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। कोई धनराशि कितने वर्ष में, समय पूछा है 25% वार्षिक की दर से दुगनी हो जाएगी। समय पूछा है, समय बराबर क्या होता है n माइनस 1 बटा दर इंटू 100। दुगनी का है तो 2 माइनस 1 बटा दर कितनी है 25 बटा 100, 2 में से 1 गया 1, 1 बटा 25 इंटू 100, 100 में 25 का भाग दिया 4 वर्ष। समय कितना है इसमें 4 वर्ष, बिल्कुल सही जवाब। खूब सारे बच्चे आंसर देने हैं बेटा, वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न है भिन्न संख्या का, आसान लेकिन अच्छा प्रश्न है। चार भिन्न संख्याएं दे दी, अमेर कह रहा है कि इसमें सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है। तो आसान है बेटा, हमें क्या करना है, ये ट्रिक याद रखो, प्रत्येक के अंश में जैसे 3/5 है, अंश में 2 जोड़ दो, ठीक है, मतलब अंश में 2 जीरो लगा लो। 4/7 है तो 400/7, 2/3 है तो 200/3, और 9/11 है तो 900/11, ठीक है। अब 300 में 5 का भाग दूंगा 60 ही आएगा, अब 400 में 7 का भाग दूंगा 7 5 35, घटाया 35 पिछड़ा 5 उतारा 0, 7 7 50 49 घटाया शेष पल रहा 1। अब 200 में 3 का भाग दिया 6 बार, 6 3 18 पीछे रहा 2 उतारा 0, 6 बार 6 3 18 पीछे रहा 2, 900 में 11 भाग दिया 11 8 88 घटाया 2 उतारा 0, 1 बार भाग दिया 11 घटाया 9। यहाँ सबसे ज़्यादा कौन सा है भैया, ये 60 है, ये 57 है, ये भागफल 66 है, ये 81 है, तो सबसे बड़ी यही होगी बेटा, सबसे बड़ी ये मतलब ये मतलब 9/11, ठीक है, ये ध्यान दें। शेषफल आता उससे हमें कोई लेन देना नहीं है। अब अगला प्रश्न है भाजकता के नियम का प्रश्न, आसान लेकिन अच्छा प्रश्न है, ये आपको नियम याद होना चाहिए तभी ये सवाल होगा आपसे। प्रश्न है बच्चों, भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, भाजक इंटू भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। भाज्य है 173 बराबर, भाजक कितना है ज्ञात करना है x इंटू भागफल है 11 प्लस शेषफल है 8, 8 प्लस का उधर गया माइनस का, तो 173 माइनस 8 बराबर एक्स इंटू 11, घटाए इसमें से 165 बराबर एक्स इंटू 11, तो यहाँ से 165/11 हो जाएगा बराबर एक्स, 11 गुणा भाग में 11 का भाग इसमें दिया 1, फिर 5 रहा 5, एक्स आपका निकल के कितना आ गया 15। एक्स निकल के कितना आया 15।
273 है, इसमें सात का स्थानीयमान और जातीयमान का गुणा पूछा है। तो बेटा देखो, स्थानीयमान और जातीयमान, स्थानीयमान सात का क्या होगा 70, और जातीयमान वही अंक होता है, जातिमान तो वही होता है, एक का जातिमान एक, दो का दो, तीन का तीन, वही अंक लिख दो, सात का सात, पांच का पांच, चार का चार, जातिमान तो वही अंक लेना है। स्थानीयमान में क्या करना है, सात का स्थानीयमान है, सात लिया, सात के आगे अंक कितने उतने जीरो, ये तीन एक अंक है तो एक जीरो, गुणा क्या 67 गुण 50 जीरो 490, ठीक है, कितना आएगा आंसर आपके 490। चलिए अब हम आगे चलते हैं, कुछ बच्चों ने आंसर दिया, वेरी गुड बेटा। अगला प्रश्न, समय एवं कार्य का सवाल है, नल वाले सवालों को समय कार्य का सवाल ही मानना है, ठीक है। जो नल पानी टंकी के अंदर देता है, जो नल पानी टंकी के अंदर देता है उसको प्लस में लेंगे, और जो पानी बाहर छोड़ रहा है उसको किस में लेंगे, माइनस में। दो नल किसी टंकी को क्रमशः 12 व 18 घंटे में भरते हैं, एक तो 12 में भरता है, एक भरता है 18, तीसरा नल उसे 24 घंटे में खाली करता है, तीनों नल एक साथ आरंभ होने पर टंकी कितने समय में भरेगी। तो तीनों नल एक साथ आरंभ करने पर, तीनों नल एक साथ आरंभ करने पर एक घंटे बाद टंकी में शेष पानी, एक घंटे बाद टंकी में शेष पानी, एक घंटे बाद टंकी में कितना पानी रहेगा। तो बेटा देखो, 1/12 अंदर आ रहा है, 1/18 अंदर आ रहा है, लेकिन 1/24 बाहर जा रहा है, ये माइनस कर लेंगे, इनका लसअप कितना आ गया, बहत्तर, चौदह 48, 48 में भाग जाएगा नहीं, 18 का चौथिया 72, इसमें जाए 12 का भाग, इसमें 12 12 72 6 बार, 18 का भाग 4 बार, माइनस इसमें 3 बार, ये हो जाएगा 6 4 10, 10 में से 3 गया 7/72, 7/72, ठीक है, भाग ये एक घंटे में भरेगा, 7/72 भाग, तो समय इसका उल्टा लगेगा, 72/7, तो 1/10 सही 2/7, ये एक नहीं है, 7 का भाग 70 में एक बार नहीं देता, भाग टूटता है तो 10 होता है, 10 सही 2/7 घंटे, इतने घंटे में वो क्या हो जाएगा, भर जाएगा, 10 सही 2/7, वेरी गुड, कई बच्चों ने आंसर दे दिया, शाबाश। चलिए अब हम अगला प्रश्न करते हैं, पॉइंट वाली संख्या दी है, उसमें समानुपात पूछा है, तो वो तरीका वही है, बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा, और दशमलव संख्याओं का गुणा हमें आता है भैया, कह रहा है 0.6, 1.2, 2.0 का तृतीय अनुपाती, तो 0.6 अनुपात 1.2 समानुपात, तृतीय अनुपात x अनुपात 2.0, इसमें क्या होगा, बाह्य पदों का जो गुणा है वो मध्य पदों के गुणा के बराबर होता है, तो 1.2 इंटू एक्स बराबर 0.6 इंटू 2.0, तो x क्या आ जाएगा 0.6 इंटू 2.0 बटा 1.2, ठीक है, पॉइंट हटा दो, ये पीछे पॉइंट का इसका कोई मतलब है ही नहीं, ठीक है, भाई 2.0 मतलब 2 ही है वो, अब यहां पॉइंट हटाया नीचे तो ऊपर एक आया, पॉइंट के बाद एक अंक 1.0, गुणा में लेते हैं, ऊपर पॉइंट हटाया नीचे एक आया, पॉइंट के बाद एक अंक 1.0, 10 से 10 कट गया, 12 में 12 का भाग दिया एक आ गया आंसर, इसका तृतीय अनुपात कितना है बच्चों, 1, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं बेटा अगले सवाल में,
इसका आंसर एक आएगा बेटा, है ना, यहां पॉइंट है ना, इसका आंसर एक आएगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक लंबी रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, प्लेटफॉर्म लंबाई कितनी है 200 मीटर को 25 सेकंड में पार करती है तथा एक 100 मीटर लंबी सुरंग को 20 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल बताइए। ठीक है, क्या पूछ रहा है हमें, रेलगाड़ी की चाल के भैया एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना, उसको तो 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म उसको 25 सेकंड में पार करती है और 100 मीटर लंबी एक सुरंग है उसको 20 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, रेलगाड़ी की चाल, तो रेलगाड़ी की चाल जो है, चाल का सीधा ट्रेन की जो चाल है, ट्रेन की चाल का सीधा या लंबाई लिख दो, यहां लंबाइयों का अंतर, ये ट्रिक याद रखना, लंबाइयों का अंतर बटा समय का अंतर, लंबाई का अंतर बटा समय का अंतर। तो लंबाइयों का अंतर कितना है प्यारे बच्चों, एक तो है 200 मीटर लंबा माइनस एक है 100 मीटर लंबा बटा समय का अंतर है, एक कर रहा है 25 सेकंड में, एक कर रहा है 20 में, 25 माइनस 20 ये आ गया 100 बटे 5, मतलब 20 मीटर प्रति सेकंड। अब ये चाल किलोमीटर प्रति, सॉरी मीटर प्रति सेकंड में है, ठीक है ना, इसको अगर किलोमीटर प्रति घंटे बदलना है, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना, किससे गुणा करें, 18 बटे 5 से, 5 से इसको काटा 4, 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये ट्रिक याद रखें आप, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, आयु वाला प्रश्न है भैया, कह रहा विकास की आयु महेश की 3 गुणी, पहला नाम विकास दिया हुआ है तो ये 3 गुणा कौन होगा, विकास, तो छोटा कौन हुआ, महेश, जिसका नाम पहले देता उसी की चर्चा चलती, विकास के बारे में कहा गया 3 गुणा छोटा महेश हुआ, उसको एक्स माना, तो विकास कितना कह रहा, 3 गुणा, तो वो कितना मान लोगे, 3x, विकास कह रहा 3 गुणा, तो कितना आ गया 3x। अब कह रहा 4 वर्ष बाद, तो भाई 4 वर्ष बाद महेश कितना हो जाएगा, x प्लस 4 और विकास कितना हो जाएगा, 3x प्लस 4, दोनों का योग 64 वर्ष है, दोनों का योग कितने वर्ष है, 64 वर्ष, x प्लस 4 प्लस 3x प्लस 4 बराबर कितना लिख देंगे, 64, 3x और x 4x प्लस 4 8 बराबर 64, 4x बराबर 64 माइनस 8, 4x बराबर 56, x कितना आ जाएगा, 56 बटे 4, 1 या 4, 14, x का मान आ गया 14, x का मान 14 आया, ठीक है, तो क्या कह रहा है 2 वर्ष बाद, तो पहले दे दो को महेश की उम्र कितनी होगी बेटा, महेश की उम्र हमने एक्स मानी है तो आगे 14, लेकिन हमें क्या कह रहा है 2 वर्ष बाद कितनी होगी, देखो ये लास्ट में भी गड़बड़ करा देता है, 2 वर्ष बाद महेश की उम्र कितनी होगी बच्चों, आज 14 है, 2 साल बाद तो 14 प्लस 2 कितने वर्ष हो जाएगा, 16 वर्ष, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं बेटा, ये सवाल हो गया अपना, अब रीजनिंग का सवाल, गणितीय श्रृंखला का, प्रश्न में है 5 से 9 हुआ, 9 से 16, 16 से 45, 45 से 176,
ठीक है। अगर हम इसको ऐसे देखें तो पहले कितना जुड़ रहा है, अच्छा इसको ये कर रहा है देखो अलग तरीके से, दो से गुणा करके एक घटाया, पांच दुनी दस, दस माइनस एक नौ, इसको दो से गुणा करके दो घटाया, नौ दुनी अठारह, अठारह में से दो घटाए सोलह, इस सोलह को तीन से गुणा करके तीन घटाया, ठीक है, मतलब दो से गुणा किया एक घटाया, फिर दो से गुणा करके दो, फिर दो से गुणा करके तीन, फिर इसको चार से गुणा करके चार घटाएंगे, एक सौ छिहत्तर। तो आगे क्या करेंगे, एक सौ छिहत्तर को पाँच से गुणा करेंगे, छप्पन जम तीस, सौ बाईस लागे तीन, सातों पंजे पैंतीस, तीन अड़तीस, आठ बाईस लागे तीन, पाँच तीन आठ सौ अस्सी, उसमें से फिर कितना घटाएंगे पाँच, तो आएगा कितना आंसर आपका आठ सौ पिचहत्तर। अब एफ जे ओ, ये अंग्रेजी वर्णमाला की श्रृंखला का प्रश्न है, आसान प्रश्न है, इसका आंसर दें आप लोग। एफ जे ओ, ठीक है, एफ कितने नंबर होता है, छह, जे दस, ओ पंद्रह, आगे पूछे तो पहले यहां कितना जुड़ा है चार, फिर यहां कितना जुड़ा है पांच, अब कितना जुड़ेगा छह, पंद्रह में छह जुड़ेगा होगा कितना इक्कीस, तो आंसर कितना आ जाएगा यू, क्या आ जाएगा यू, प्रश्न है। अब इसमें क्या है बेटा, ये दो व्रत ऐसे अलग थे, इसको सीधा कर दिया, इन दोनों को मिलाएंगे सीधा, तो सी ऑप्शन होगा, सीधा दिखने वाली बात है इसमें। ठीक है, इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा सी, आप देखते ही पता चल रहा है। लुप्त संख्या मिसिंग नंबर का प्रश्न है, वर्ग संख्या ले रहा है 20 की वर्ग संख्या, यहां ले रहा है 400, यहां 21 की वर्ग संख्या 441, यहां 4 की वर्ग संख्या कितनी ली 16, ठीक है, तो यहां ये किसकी वर्ग संख्या लेंगे 10 की, आंसर कितना आएगा 10, क्योंकि 10 की वर्ग संख्या ही कितनी होती है 100, ये आपका आंसर 10 आ गया। रक्त संबंध का एक प्रश्न है लास्ट आज की क्लास का, सुनिए, रमन कह रहा है, रमन की ओर इशारा करते हुए सुनीता ने कहा कि उनकी मां रमन जो है, रमन की मां का इकलौता पुत्र, रमन की मां का इकलौता पुत्र, भाई रमन की मां जो है उसका इकलौता पुत्र तो रमन खुद हुआ, मेरे पिता है। सुनीता क्या कहती है, वो मेरे क्या है पिता, आगे आंसर, तो रमन और सुनीता बाप बेटे, बाप बेटी, तो अब पहला नाम किसका दिया, बाप आंसर है, बेटी आंसर है, पहला नाम किसका दिया सुनीता का, तो सुनीता कौन है भैया, पुत्री होगी, पहला नाम सुनीता दिया, सुनीता रमन की पुत्री होगी भैया, ठीक है, मेरे ख्याल से आगे आओगे आपका आंसर बेटी, ठीक है। चलिए आज की क्लास में इतना ही, सूत्रों को रटें, सवालों को करें।